नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप होम लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं किसी भी बैंक में या किसी भी ब्रांच में, तो आपको किस जगह अप्लाई करना चाहिए। आप मेरा मतलब ये समझिए कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि आपकी पोस्टिंग कहीं और होती है, आप जॉब कहीं और कर रहे होते हैं, लेकिन आपका परमानेंट एड्रेस कहीं और का होता है और आप घर कहीं और लेना चाहते हैं। अब मैं एक एग्जाम्पल दे के आपको समझाता हूँ, जिससे आपको और एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मान के चलिए मैं एक रोहित का केस लेता हूँ जिसको होम लोन लेना है, लेकिन रोहित एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है जिसकी सर्विस अभी सवाई माधोपुर में है। उसका परमानेंट एड्रेस जहाँ वो पेरेंट्स के साथ रहता था वो कोटा है, लेकिन वो अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए अपना एक नया घर लेना चाहता है जयपुर में, और उसके लिए उसको होम लोन अप्लाई करना है। तो इस केस में मैं यही एडवाइस करूंगा कि रोहित को होम लोन जयपुर में अप्लाई करना चाहिए। अब ऐसा क्यों है, इसके पीछे भी कुछ रीज़न है। अब मैं अब आगे वाली पीपीटी में आपको बताता हूँ कि क्या रीज़न है। मान के चलिए जब भी ऐसा होता है तो होता क्या है कि अब जैसे रोहित को कोई फ्लैट चाहिए जयपुर में, अब जो फ्लैट का जो बिल्डर है उसका कुछ टाइप है एसबीआई के साथ, तो बड़ा कन्वीनियंट आसान हो जाता है। और फिर आप जब भी होम लोन लेने जाना चाहते हो बैंक में, तो बैंक हमेशा टीआई और वैल्यूएशन रिपोर्ट करवाता है। तो अगर जिस जगह अगर यदि आप होम लोन अप्लाई करोगे तो वहां के वकील को और वैल्यूएशन वाले को दिक्कत नहीं होगी ये दोनों रिपोर्ट देने में। ब्रांच ऑफिशियल्स को प्रॉपर्टी का इंस्पेक्शन करने में आसानी होगी और काफी हद तक आपका टाइम भी बच जाएगा। वैसे बैंक कभी भी मना नहीं करता, आप कहीं पर भी होम लोन अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर आप जिस जगह आप प्रॉपर्टी है उस जगह होम लोन अप्लाई करोगे तो आपके लिए काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप होम लोन अप्लाई करें तो किस जगह करना चाहिए। और प्लीज़ मेरा वीडियो आप सोशल मीडिया पर शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें। धन्यवाद फ्रेंड्स।